नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आइए भारत भूषण अग्रवाल जी की तीसरी कविता हम पढ़ते हैं और जिसका शीर्षक है फूल के बोझ। इस कविता के माध्यम से कवि ने एक भाव व्यक्त करना चाहा है कि जब हम किसी को सफलता के कगार पर देखते हैं, मतलब बहुत सफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं, या जैसे कि आप इन्होंने उदाहरण फूल के माध्यम से ही दिया है कि खिला हुआ फूल सबको अच्छा लगता है, पर उस फूल के खिलने से पहले जो आप वृक्ष है, पौधा है, उसने किस तरह से गर्मी, सर्दी, बारिश आदि को सहा है। कहने का अर्थ क्या है कि जो सफल व्यक्ति है उसकी सफलता के पीछे उसकी कितनी मेहनत है, कितना त्याग है, कितना समर्पण है, यह बहुत कम लोग देख पाते हैं। और फूल के माध्यम से कवि ने यह बात बताने की प्रयास किया है। आइए शुरू करते हैं। कवि कहता है कि हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगी फूल क्यारी में देखकर जी तृप्त हो गया। अब वो एक मतलब फूल के माध्यम से कह रहे हैं कि जब हम क्यारी में कहीं खिले हुए रंग बिरंगे फूलों को देखते हैं, उन्हें हंसते खिलखिलाते बड़े सुंदर से दिखते हैं, फूलों को देखकर हम सबको अच्छा लगता है, तो उसका मन खुश हो गया। नथुनों से प्राणों तक खींच गई गंध की लकीर सी, अर्थात फूलों को देखकर मन खुश हो गया और जो उनकी सुगंध थी वो नाक से हमने लंबी सांस लेकर के अंदर खींची, तो ऐसे लगा कि सुगंध से सारा जो हमारा मन है, हमारी नथुने है अर्थात नाक है, वह तृप्त हो गई, एक लकीर सी खींच गई खुशी की, सुगंध की, आंखों में हो गई रंगों की बरसात, अनायास कह उठा। अब देखिए कवि अपने अनुभव के माध्यम से कह रहा है कि जैसे ही किसी क्यारी में हंसते खिलखिलाते रंग बिरंगे मैंने फूल देखे तो मेरा मन तृप्त हो गया, संतोष हो गया, बहुत अच्छा लगा और मेरी नाक के अंदर एक सुगंध की लकीर सी खींच गई, आंखों में जैसे मानो रंगों की बरसात होगी, मतलब विभिन्न रंग जो है बरस रहे हों, और अनायास बिना ही प्रयास के, अनायास करके बिना किसी प्रयास के, बिना किसी मेहनत के तुरंत मेरे मुंह से एक बात निकली, वाह धन्य है बसंत ऋतु। अर्थात कवि बसंत ऋतु का वर्णन कर रहा है कि क्यारियों में रंग बिरंगे फूल खिले हैं और उन फूलों को देख करके मेरी आंखों में रंगों की बरसात हो गई, नाक में गंध की लकीर सी खींच गई और मेरा मन तृप्त हो गया, मैंने खुशी से बिना प्रयास के मुंह से निकल गया मेरे कि वाह वाह क्या बसंत ऋतु है, धन्य है। अब आगे कहता है कि ये तो मैंने देखा तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ। फिर क्या कहता है कि लौटने को पैर जो बढ़ाए तो क्यारी के कोने में दुबका एक नन्हा फूल अचानक बोल गया। अब कवि कहते हैं कि जैसे ही मैंने मतलब आगे पैर बढ़ाए, वाह वाह करके मुझे लगा कि मुझे बहुत अच्छी दृश्य देखा है, वसंत ऋतु कितनी सुंदर है, धन्य कहते हुए वापिस बढ़ने लगा, पांव बढ़ाने का था, दो चार ही कदम चलने लगा, तो कवि कहता है कि मैंने सामने से देखा कि क्यारी के कोने में एक दुबका छोटा सा नन्हा फूल है और वो मुझे अचानक से कहने लगा, सुनो एक छोटा सा सत्य तुम्हें सौंपता हूँ, धन्य है वसंत ऋतु ठीक है, पर उसकी धन्यता उसकी कमाई नहीं, वह हमने रची है। अब बड़ी सुंदर सी बातों में वो कह रहा है, जो एक छोटा सा फूल कहाँ एक कोने में दुबका बैठा है, अचानक से कवि कहता है मुझे कहने लगा कि आज मैं तुम्हें छोटा सा सत्य अर्थात सच्चाई सौंपना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, सच्चाई सौंपने का से बताना चाहता हूँ, वसंत ऋतु ठीक है जो तुम कह रहे हो बहुत अच्छी बात है और एकदम सही भी है, पर जो उसकी धन्यता है, जो वसंत ऋतु धन्य धन्य हुई है, वह उसकी कमाई नहीं है, वह हमने रखी है। इसका अर्थ क्या है कि कवि कहना चाहता है कि जो उसके अंदर आप ये देख रहे हो कितना सुंदर फूल है, लेकिन इसकी जो कमाई है, वसंत ऋतु जो आई है, वह अपनी नहीं है, मेरे और मेरे जैसे असंख्य साथियों ने उसको बनाया है, हम असंख्य साथी सर्दी, गर्मी, पाले और बरसात में इस क्यारी में अपने स्थान पर दृढ़ होकर खड़े रहे, अर्थात हमारे जीवन में जो आने वाले उतार चढ़ाव थे हम उनको दृढ़ता से खड़े रहे, हमने अपनी संपूर्ण आयु में स्वयं को एक पांव पर खड़ा रखकर इसकी सुंदरता को निर्मित किया है, इसलिए यह है वसंत ऋतु बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। फिर वो क्या कहता है, हमने यानी मैंने, मुझ जैसे मेरे अगणित साथियों ने, जिन्होंने इस क्यारी में अपने अपने ठाव पर धूप, बरसात, जाड़ा, पाला झेला है, सुंदर को तपा है पूरी आयु एक पांव पर, अपने अपने जीवन को जो है, अपने सुंदर जीवन को, पूरी आयु को एक पांव पर तपाया है, तुमने ऋतु को बखाना, पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लो को भी देख सके जिसके बल
अब कवि क्या कहना चाहता है, उन्होंने बताया कि यह जो बसंत ऋतु की सुंदरता है, शोभा है, बसंत ऋतु जो धन्य धन्य हुई है, वह उसकी कमाई नहीं है, वह तो हमने मेहनत की है। पौधा कहना चाहता है कि हमने सब कुछ सहन किया है, अपनी जी पूरी आयु एक पांव पर बिताई है, तुमने ऋतु का तो बखान कर दिया कि बसंत ऋतु बड़ी सुंदर है। बखान करते व्याख्या करना, बताना किसी बात के बारे में, जानकारी देना, पर क्या कभी पल भर भी तुम उस लो को भी देख सके जिसके बल मैंने, इसने और उसने, यानी मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़ सूरज से आंखें मिलाई है या घिलाई है, मिलाई आएगा। ये क्या कहना चाहते हैं फूल जो है इन पंक्तियों में कवि से प्रश्न कर रहा है कि क्या उसने कभी एक क्षण के लिए भी जो हमारे अंदर की शक्ति रूपी लो के दर्शन किए हैं, तुम उस लो को भी देख सके। लो का अर्थ यहाँ पर क्या है कि जो मनुष्य के अंदर की एक कहते हैं ना कि हमें जुनून है, मुझे कुछ करना ही है, तो फूल कहना चाहते हैं कि जो हमारी मेहनत थी, जो हमारे अंदर लगन की लो थी, तुम उसको देख सके जिसके कारण मैंने और इसने उसने, नहीं मेरे उसने इसने, हम अर्थात हम सब साथियों ने, मेरे एक एक साथी ने मिट्टी का अंधेरा फोड़, कि मिट्टी के अंदर जो है गर्भ रूपी अंधकार को तोड़ा है, हमने अपना अस्तित्व लगा दिया है, सूरज से आंख मिलाई है। आप कभी भी देखना बेटा, जो धरती है उसकी सतह, जो उसकी आप परत कह सकते हैं, वह बड़ी कठोर होती है। जब कोई भी पौधा या बीज डाला जाता है, उस कठोर परत को तोड़ करके जब पौधा बाहर आता है, तो सीधा और ऊपर सूर्य की तरफ देखता है। क्या कहते हैं कि इतनी कठोर मिट्टी को, उसके अंधकार को हमने तोड़ा है और सूरज से आंख मिलाई है, यदि उसे यदि जानते तो तुमसे भी रंग जाती है करीब। अब बहुत सुंदर सी बात इसने कही है कि यदि तुम यह सत्य समझ लेते तो उसी प्रकार एक ऋतु और रंग जाती, जिस प्रकार हमने फूलों ने एक वसंत ऋतु बनाई है। अब आपने इसका शाब्दिक अर्थ पढ़ा, अब इसको थोड़ा सा और समझेंगे। जो लास्ट की पंक्तियां हैं कि उसे यदि जानते तो तुमसे भी रंग जाती एक ऋतु, कवि क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है कि यदि हम एक जगह पर दृढ़ रह करके पूरे जुट के साथ, पूरे सब लोगों को मिला करके कोई कार्य करने की ठान लेते हैं पूरी ईमानदारी से, उसमें आने वाले जितने भी हर्डल हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, उन्हें हम सहन करते हैं, उनको खुशी खुशी पार करते हैं, तो हम एक ऋतु बना सकते हैं, खिला खिला वसंत बना सकते हैं। ऋतु बनाने का अर्थ यहाँ क्या है कि आप समाज में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं, अर्थात ऐसा कुछ कर सकते हैं जिसे देखते ही जो देखने वाला है उसके मुंह से वाह वाह निकले कि धन्य है, धन्य है, धन्य है। और जीवन में जब हम इसने की चुनौतियां करना चाहते हैं, इसने की बात करना चाहते हैं, इसने का परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हमें सब कुछ चुपचाप सहन करना भी पड़ता है दृढ़ता के साथ। सहन करने का अर्थ यह नहीं कि आप किसी की मार चोट सहन कर, नहीं, जो उसके जीवन में आप जो काम कर रहे हैं उसके जीवन में, उसके बीच में जो हर्डल आती है, जो बाधाएं आती है, उनको भी आपने पूरे धैर्य समझदारी के साथ पार करना है, तभी आप एक ऋतु बना सकते हैं। फूल जो है, छोटे फूल के माध्यम से कवि ने यह बात व्यक्त की है कि हमने एक जो मिट्टी थी उसके अंधेरे को, अर्थात जीवन में जो अंधकार है, अज्ञानता का अंधकार है, जब हम उसे तोड़ करके ज्ञान के प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं, हम सूरज से आंख मिलाने करते हैं ज्ञान के प्रकाश, अर्थात सही मायने में जब हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, तब कहीं जा करके हम अपने जीवन में एक ऋतु का निर्माण कर सकते हैं, एक परिवर्तन ला सकते हैं, और उस परिवर्तन से ऐसा लगता है कि जो उसे देखता है वो वाह वाह करने